केरल के मशहूर ब्रेनन कॉलेज की मैगजीन के एक स्केच के जरिए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है। सीपीएम के छात्र संगठन एसएफआई की पत्रिका में सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के वक्त एक महिला और पुरुष को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है। इस स्केच में राष्ट्रीय ध्वज भी स्क्रीन पर बनाया गया है। पैलेट नाम की पत्रिका स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ब्रेनन कॉलेज के 125 साल पूरे होने के मौके पर यह विशेषांक निकाला और इसी विशेषांक में एक पेज पर राष्ट्रगान का मजाक, राष्ट्रध्वज का मजाक उड़ाते हुए दिखाया गया है। यह आपत्तिजनक स्केच है जिसे लेकर विरोध हो रहा है और वामपंथी विचारधारा की, वामपंथी सोच की यह सबसे शर्मनाक तस्वीर है। दूसरी तरफ इस मैगजीन को नाम भी, इस विशेषांक को नाम भी पैलेट दिया गया है, यानी कि कश्मीरी सेपरेटिस्ट, वहां के अलगाववादियों को समर्थन देती ये पत्रिका है इस बार की। केरल में कॉलेज की मैगजीन में राष्ट्रगान का अपमान। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाने का उड़ाया मजाक। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर केरल की ब्रेनन कॉलेज की मैगजीन में छपी है। तस्वीर में सिनेमा हॉल के अंदर का स्केच है जिसमें राष्ट्रगान बजते समय एक महिला और पुरुष को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है। स्केच में पीछे की ओर राष्ट्रीय ध्वज भी है। ये स्केच अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर छापा गया है जिसे देखकर देश से प्यार करने वालों को शर्म आ जाएगी। आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे करतूतों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए। जिस पत्रिका में ये आपत्तिजनक तस्वीर छपी है वो सीपीएम के छात्र संगठन एसएफआई का है। पत्रिका का नाम पैलेट है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजना अनिवार्य है और इस दौरान दिव्यांगों को छोड़कर सबका खड़ा होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश पर विरोध जताने के लिए छात्र संगठन एसएफआई ने मैगजीन पैलेट में इस आपत्तिजनक स्केच को छापा, जिसके बाद से मैगजीन विवादों में है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाकर मैगजीन निकालने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा ने ट्वीट कर कहा, एसएफआई की ओर से केरल के ब्रेनन कॉलेज में प्रकाशित की गई मैगजीन ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। इसमें दो लोगों से सेक्स करने का आग्रह किया जा रहा है जबकि थिएटर में राष्ट्रगान बजता हुआ दिखाया जा रहा है। हालांकि कॉलेज के प्रिंसिपल मुरली दास को स्केच में कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ रचनाओं को अलग कोण से देखने पर गलतफहमी जरूर पैदा हो गई है। मैगजीन में ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। अगर संकीर्ण सोच से देखें तो गलतफहमी होती है। हम छात्रों को इस बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पैलेट नाम की मैगजीन को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने ब्रेनन कॉलेज के 125 साल पूरे होने के मौके पर निकाला है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन इस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। मैगजीन में आपत्तिजनक स्केच के बाद कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर एक, कैसे एसएफआई राष्ट्रगान का मुखौल उड़ाकर राजनीतिक माहौल बनाना चाहती है? सवाल नंबर दो, क्या सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसे स्केच को जायज ठहराया जा रहा है? सवाल नंबर तीन, छात्र क्रांति की बात करने वाले छात्र संगठन एसएफआई ऐसी अश्लील सोच के साथ क्रांति करना चाहती है? सवाल नंबर चार, क्या राष्ट्रगान और राष्ट्र प्रतीकों के अपमान से ही क्रांति आएगी? सवाल नंबर पांच, आखिर सरकार ऐसे लोगों पर कठोर और सबक देने वाली कार्रवाई क्यों नहीं करती है? वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई से पहले भी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में विवादों में रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस मैगजीन के इस पेज के बाद इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि आखिर क्यों ना इन लोगों पर एक्शन लिया जाए और दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे क्या कुछ भी जायज हो सकता है। और ये जो कवर पेज आप देख रहे हैं इसे नाम पैलेट दिया गया है, यानी कि पैलेट गन
कश्मीर में जो सबसे बड़ा मुद्दा उभरा था, यानी कि सीधे तौर पर एक तो ये मैगजीन ये विशेषांक समर्थन करता है कश्मीरी अलगाववादियों का, और दूसरी तरफ अंदर एक पेज पे राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का अपमान किया जाता है,